नाज़रीन HSTV में आप सभी का खैर मकदम है। आज नवाब के तालाब चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद में दो लड़के जिनका नाम सोहेल 12 साल और अब्दुलरहीम 14 साल बताया जा रहा है, ये दोनों तैराकी की गर्ज़ से नमाज जुमा अदा कर कर नवाब के तालाब पहुँचे और तैराकी की। उसके बाद में ये बच्चे गर्कयाब हो गए और इनके साथ में तैरने वाले बच्चों ने इनके वालदैन को इत्तला की इस बात की। इनके वालदैन चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन पहुँचे जहाँ पर CI रुद्र भास्कर, SI वेंकटेश और SI जाकिर हुसैन मौजूद थे। जैसे ही उनको इस बात की इत्तला मिली, ये लोग मौके वारदात नवाब के तालाब पहुँचे और तैराकी टीम के साथ में इन्हें खोजने की कोशिश की। जबकि अब्दुलरहीम की बॉडी मिल गई लेकिन सोहेल की बॉडी अभी तक लापता है। आइए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हशमत अली की ये खसूसी रिपोर्ट। इधर देखो यार, सागर में आज बाद नमाज जुमा नूरी नगर के रहने वाले दो लड़के रहीम और सोहेल अपने साथियों के साथ 5 से 6 बच्चे यहाँ पर तीरने के लिए आए हुए थे। तीरते हुए दोनों बच्चे जो है गर्क हो गए, डूब गए, तो वो साथी बच्चे बल्तों से निकल कर फौरी अब वो लड़कों के वालिदैन को इस बात की इत्तला दी, तो वालिदैन चनाटा सर्कल इंस्पेक्टर रुद्रा भास्कर राव साहब से राबिता करते हुए फौरन यहाँ पर
सर्कल साहब और एसआई वेंकटेश साहब, जाकिर हुसैन साहब और दूसरे पुलिस टीम यहाँ पर आई और जीएचएमसी के गोताखोरों से भी रابطہ किया गया। वो लोग का इंतज़ार देखने के बाद काफ़ी देर तक नहीं आने से फौरन एसआई जाकिर हुसैन साहब और वेंकटेश साहब यहाँ मुकामी नौजवान बच्चों से के साथ तालाब में तकरीबन 3 घंटे तक मुसलसिल ढूंढते रहे, कोशिश किए। उस दौरान एक लड़का रहीम को निकाला गया और एक लड़का अभी तक नहीं निकला, काफ़ी वक्त हो चुका है। सुबह में फिर दोबारा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उस लड़के को भी निकालने के लिए। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक्टिव वर्कर्स भी काफ़ी कोशिश किए, जदोजहद किए। एक ही लड़का दस्तावेज़ और एक लड़के को इंशाल्लाह कल सुबह तक निकालेंगे। ये दो बच्चे कहाँ के रहने वाले? ये नूरी नगर बी के रहने वाले लड़के हैं। बच्चे दो भी बच्चे वहाँ के रहने जी हाँ, 12 साल तकरीबन 12-13 साल उम्र है दोनों लड़कों की। तो ये बच्चे यहाँ पे तीरने के इरादे से होते हैं, कुछ खेलने के इरादे से? नहीं, तीरने के लिए ही आए हुए थे। उनके साथियों ने बताया कि हम लोग तीर रहे थे पूरे मिल के, अचानक दोनों डूब के वो लड़के उनके साथ वाले जो है इस बात की तला दिए। इसका कुछ प्रपोजल है साहब, इसकी फेंसिंग वगैरह का? ये तालाब का सर्वे किया जाए, कराएंगे। ये तालाब जो है कोई नवाब का है बोल के सुने हम जी, तो वो देखेंगे कि ये प्राइवेट है या तालाब क्या है। आए दिन रोज कुछ ना कुछ हादसा हो रहा है। कुछ दिन पहले भी दो बच्चे थे। हाँ, इससे पहले भी दो मासूम बच्चे जो है सगे भाई बहन जो है डूब के अगर खो गए थे, 1-4 साल और 6 साल बच्चे थे। आए दिन बोलते सो इस तालाब में बोलते सो हादसा होते जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तालाब की जो है फेंसिंग की जाए। जो भी है अहदेदारों को लेकर आके इस तालाब का सर्वे कराते हुए जो भी मुनासिब हो सका फेंसिंग के लिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे।